हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन की जो स्पेशली होता है ड्यू टू कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वायरस तो वायरस के कारण हमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो होते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन के कॉजेज क्या है तो किसके कारण यूजली वायरल इन्फेक्शन होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स फिर किस तरह से उसका हम इलाज करें तो उसके लिए कौन से हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वायरल इन्फेक्शन होता है क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करें तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमरसर मिस्टर अमर एम रावल असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ अपडेटेड रहिए नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मा रॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है तो डाउनलोड करिए फार्मा रॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए अगर आपके पास आईफोन है तो एप स्टोर पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर पीडीएफ एंड पीपीडीज ऑफ अवर लेक्चर सब आपको मिल जाएगा कि स्टडी मटेरियल है पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रिंटेड स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज की जो जीपैड फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर नाइपर एग्जाम और ऑल्सो द वीडियो लेक्चर सो गेट द एक्सेस ऑफ टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर ऑक्स एंड स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जरूर से चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हेल्पलाइन नंबर नाइन जीरो टू जीरो पे व्हाट्सएप करिए तो सबसे पहले जो हमें सीखना है दैट इज द वायरल इन्फेक्शन तो वायरल इन्फेक्शन का जो डेफिनेशन हम देखे तो वायरल इन्फेक्शन मीन्स इंफेक्शन कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द बॉडी कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस जो है वो करता है एंटर वायरस करता है अपनी एंट्री करता है या फिर वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके कारण क्या होगा वायरस अब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होगा और वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर करेगा अपनी ग्रोथ वायरस विल मेक इट्स ग्रोथ वायरस विल ग्रो वो अपनी अच्छे से ग्रोथ करेगा मल्टीप्लीकेशन करेगा और जब कोई एक सिंगल वायरस हमारी बॉडी में ऐड हुआ होगा तो सिंगल में से उसके मल्टीपल कॉपीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर तैयार हो जाएगी ड्यू टू इट्स रेप्लीकेशन प्रोसेस रेप्लीकेशन मतलब कि वायरस जो है वो अपने तौर से हमारी बॉडी को यूटिलाइज करके अपना मल्टीप्लिकेशन करता है एक में से दो, दो में से चार ऐसे बहुत सारे वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फिर तैयार हो जाते हैं और वो वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वायरल इन्फेक्शन तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन सेकंड देखते हैं कि डिपेंड ऑन द वायरस एंड पर्सनस स्टेट ऑफ हेल्थ कि पर्सन की स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है उसकी इम्यूनिटी कैसी है उसके बेसिस पे एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द वायरस कौन से टाइप का वायरस है तो वेरियस वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू फ्रॉम ब्रेन टू द स्किन, तो वायरसेस की जो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी पार्ट के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि जब हमारे बॉडी के अंदर वो एक बार एंटर होते हैं तो डिपेंड ऑन पर्सन स्टेट एंड उसकी हेल्थ उसकी इम्यूनिटी वायरस जो है वो ब्रेन से लेकर स्किन सभी पार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू देखते हैं वायरल इन्फेक्शन के तो लोकेशन वाइज यहाँ पे डायग्राम को हम समझते हैं तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहां से तो देखिए वायरस के कारण आइस का इन्फेक्शन होता है कि कई बार आइस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कई बार वायरस भी होते हैं तो वायरस के कारण भी वो इन्फेक्ट होता है जैसे कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का नाम लिखा है एडिनो वायरस है साइटोमेगालो वायरस तो ये सब वायरस हमारे आइस को अफेक्ट कर सकते हैं फिर दूसरा जो वायरस है वो है न्यूमोनिया के कारण इन्फ्लुएंजा के जो वायरस होते हैं उसके टाइप ए एंड बी पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड सिंसाइटियल वायरस एडिनो वायरस सार्स कोरोना वायरस तो ये सब वायरस जो है वो हमारे लंग्स वगैरह को अफेक्ट करते हैं हमारी रेस्पायरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं उसके अलावा मॉम्प्स के जो वायरस होते हैं वो पैरोटाइटिस करते हैं माई एलाइटिस कि जिसके अंदर पोलियो वायरस एंड एच टी एल वी वन की जो पोलियो वायरस जैसे वायरस है फिर गैस्ट्रो एंटेराइटिस कि जिसके अंदर एडिनो वायरस है रोटा वायरस नोरो वायरस एस्ट्रो वायरस कोरोना वायरस ये सब वायरस आपके जी आई ट्रैक को अफेक्ट करते हैं पेंक्रियाटाइटिस हम देखें तो कॉक्स ए की बी वायरस जो है वो पेंक्रेटाइटिस करता है फिर एस जो है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज लाइक हर्पिस सिंप्लेक्स है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड एच वायरस के कारण होते कि एड्स जो होता है एच एड्स वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है कि जो वायरस के कारण होता है सेम लाइक दैट बहुत सारे ऐसे स्किन इन्फेक्शन है वो भी वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं जैसे कि वायरस के कारण जो इन्फेक्ट होते हैं स्किन के लाइक रूबेल आपने देखा होगा मिजल्स जो होता है फिर स्मॉल पॉक्स है तो ये सभी जो है वो वायरस के कारण होते हैं, लाइक वेरिसलाजस्टर वायरस है ह्यूमन हर्पिस वायरस है मॉलुस्कम कॉन्टाजिजम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है तो ये सभी अलग अलग वायरस स्किन इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कॉक्सैक् ए वायरस भी है फिर जो लीवर को डैमेज करने, तो करने वाले कि यहाँ पे देखिए ये लीवर का जो हमारा पार्ट तो ये लीवर को डैमेज करने वाले वायरसेस की जो हिपेटाइटिस के टाइप ए बी सी डी एन ई सभी हिपेटाइटिस के वायरस फिर बी वायरस जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है जिंजी वॉस्टो मेटाइटिस जो है वो हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप वन वायरस है फिर फेरिंगाइटिस की जो एडिनो वायरस ईस्टर्न बार वायरस एंड साइटलो साइटोमेगालो वायरस के कारण हो सकता है फिर कॉमन कोल्ड हम देखें तो राइनो वायरस के कारण पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्परेटरी सेंसिटियल वायरस के कारण जो है वो हमारा ट्रैक इन्फेक्ट होता है और उसके कारण आरटीआई रिलेटेड वेरियस इन्फेक्शन होते हैं फिर कि जो भी हमने देखा कि जब मैनजाइटिस डिज के बारे में जब लेक्चर बनाया था हमने तो वहां पे जो वायरस रिस्पॉन्सिबल थे वो मैनजिस को अफेक्ट करते हैं जेसी वायरस है मिजल्स एलसीएम वायरस आर्बो वायरस रेबिस ते से बहुत सारे जो वायरसेस है वो इन्फेक्ट करते हैं हमें अलग अलग तरह से और कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं कौन से पार्ट का इंफेक्शन होता है वो सबसे पहले चेक करना जरूरी है तो ये था वायरल इन्फेक्शन उसके हम कोजेस देखे रीजन्स देखें तो कोजेज में तो हमें पता ही है कि जो वायरस के कारण होता है बट ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कहाँ से लेता है सबसे पहले तो तो जैसे कि एच वायरस है तो एच वायरस यूजली हमारे बॉडी के अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जब कॉन्टेमिनेटेड uh, जो ब्लड हो वो समझो कि चढ़ाया जाता है किसी पेशेंट को विथ एच वायरस फिर एच पेशेंट के साथ समझो कि सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी होती है तो उसके कारण भी एच हो सकता है आपको वैसे ही जो हिपेटाइटिस बी वायरस अलग अलग तरीके से फैलते हैं इबोला वायरस है एडिनो वायरस इन्फ्लुएंजा है रेबिस वायरस है यहाँ पे हम देख सकते है, वाईरस, वाईरस हैं पेपिलोमा वायरस रोटा वायरस एंड हर्पिस वायरस तो ये सभी वायरस आपको तभी लगते हैं कि जब आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी भी तरह से लाइक एक एग्जाम्पल हम देखें तो दैट इज इनहलेसन तो इन्हेलेशन मतलब कि जब आप सांस लेते हैं तो उस वक्त समझो कि उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमोस्फियर के अंदर कि जो वायरस समझो कि वो एयर के अंदर प्रेजेंट है तो जब आप ब्रीथिंग करोगे तो ब्रीथिंग के दौरान वो वायरस जो है वो इन्हेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है फिर इफ समवन विथ ए वायरल इन्फेक्शन स्नीजीज और कॉफ नियर न ब्रीथ इन ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द वायरस तो वही वायरस वाली जो एयर है कॉन्टेमिनेटेड एयर वो आपके ब्रीथिंग में जाएगी और जिसके कारण आपको भी ये वायरस का इंफेक्शन हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम इनहेलेशन इंक्लूड द फ्लू और कॉमन कोल्ड एज वेल एज जब रेस्परेटरी ट्रैक हमारा स्पेशली इन्फेक्ट होता है तो उसके कारण भी ये रिस्पॉन्सिबल है तो कोजिज में तो सिंपली वायरस ही है और अलग अलग तरीके के समझो कि आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं कि एच आई वाली एच आई वी वाले, वाले पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हो और बॉडी फ्लूइड्स आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होते हैं और स्पेशली जो ब्लड है तो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं कंटेनिंग एच आई वी वायरस तो वो आपके बॉडी में एंटर हो जाता है इन्फ्लुएंजा जो वायरस है यूजली रेस्पिरेशन से फैल जाते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कंटामिनेटेड फूड है वाटर है उसके कारण बिकॉज ये अफेक्ट करते हैं इन्फेक्ट करते हैं लीवर को तो जब आपके जी आई ट्रैक के अंदर ये वायरस पहुंचता है तो लीवर को धीमे धीमे वो आगे जाके के इन्फेक्ट करते हैं तो अलग अलग तरीके से ये जो वायरस है वो हमें इन्फेक्ट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स देखे तो जब प्राइमरी कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो रनी और स्टफी नोज होता है सॉर्थ्रोट होता है कॉफ होता है आपको कंजेशन होता है स्लाइट बॉडी एचिस मतलब कि बॉडी पेन होता है माइल्ड हेडेक रहता है स्नीजिंग एंड लो ग्रेड फीवर होता है उसके अलावा हम दूसरे अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम देखें तो स्किन ऊपर आपको रेसिस जैसा भी हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं स्किन इन्फेक्शन हेपेटाइटिस के अंदर लीवर के अंदर इन्फ्लमेशन वगैरह होता है एनलार्जमेंट होता है फिर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट होती है फिर फेरिंगाइटिस हो सकता है कॉमन कोल्ड एनसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस फिर जिंजी जिंजी वो स्टोमेटाइटिस हो सकता है आइज़ रिलेटेड इन्फेक्शन होता है पैरोटिस जो हमने बात की न्यूमोनिया माई एलिटाइटिस पेंक्रिएटाइटिस गैस्ट्रो एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिस्स तो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते कि समझो कि जिस टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है वो टाइप उसके रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होते कि समझो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण समझे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है तो उसके कारण रनिंग नोज हो सकता है सॉर थ्रोट ये सब आर टी आई के कारण समझो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट हुआ है समझो wow कि आपका लीवर और जी आई ट्रैक इन्फेक्ट होता है वायरस के कारण तो उस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है डायरिया भी हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग जैसा भी हो सकता है स्किन इन्फेक्ट होती है तो स्किन ऊपर रेसिस डेवलप हो सकते हैं तो ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है तो हार्ट बीट पे इफेक्ट पड़ेगा अरिथमिया भी हो सकता है ब्रेडिकार्डिया टेके कार्डिया तो ये सब अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं रेस्प वायरल इन्फेक्शन के अंदर डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस के अंदर स्पेशली टेस्टिंग किए जाते हैं हमारे जो वेरियस बॉडी फ्लूइड्स है उनके की जैसे कि ब्लड तो ब्लड को लेकर ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर समझो कि कोई वायरस या फिर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है वो पता लगाया जाएगा फिर सेम लाइक दैट आपका म्यूकस भी चेक कर सकते हैं कि आपके समझो कि नोज में से म्यूकस के सैंपल लेकर चेक किया जाता है एज वेल एज स्पूटम टेस्टिंग किया जाता है सीमेन है लेक्रीमल फ्लूड है तो इस टाइप की जो अलग अलग हमारी बॉडी फ्लूड्स है उसका टेस्टिंग किया जाता है डायग्नोसिस के अंदर फिर डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन बाय डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीवायरल एंटीबॉडीज दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड एंटीवायरल एंटीबॉडी के डिटेक्शन से भी वायरल इन्फेक्शन का पता चलता है कि कौन से टाइप के वायरस के कारण आपको इंफेक्शन हुआ है हुज क्लिनिकली इज लिमिटेड बाय द नीड ऑफ कंपेरिजन ऑफ एक्यूट एंड कॉन्वेलसेंट एंटीबॉडी टाइटर्स की जो एंटीबॉडी टाइटर्स होते हैं उसको यूज करके जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ वायरल स्पेसिफिक इम्यूनोगोग्लोबिलीन एम एंटीबॉडीज ऑलो ए डाइग्नोसिस टू बी मेड फ्राम सिंगल स्पेसीमेन कोई सिंगल स्पेसीमेन लेकर भी समझो कि सिर्फ ब्लड लिया है म्यूकस स्मूटम सीमेंट लेक्रीमल फ्लूड तो सिंगल स्पेसिमेन लेकर भी उसका चेक हो सकता है एज वेल एज जो हम बात करते हैं आर टी पी सी आर की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जैसे अलग अलग डायग्नोसिस फीचर्स जो है वो यूज किए जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के अंदर तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन का तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन क्या आप जितना अपनी अपनी पर्सनल हाइजीन कंडीशन मेंटेन करते हैं कि आप सेल्फ कितना हाइजीन रहते हैं अपनी खुद ही क्लैक आपके अंदर प्रॉपर हैंड वॉश करने की प्रॉपर आदत है आपको क्या आपने ऐसी हैबिट बनाई कि आपको अच्छे से हैंड वॉश करने की आदत है खाने से पहले खाने के बाद बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स वगैरह और रेगुलरली भी आप हैंड वॉश करते हैं कि जब आप किसी भी एक्टिविटीज़ करते हैं इसी तरह की और समझे कि आप कहीं मार्केट से आ रहे हैं कहीं ऑफिस से आ रहे हैं ओके एंड स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप कॉलेज से आते हो कोचिंग क्लासेस से आ रहे हो स्कूल से आ रहे हो तो भी आप अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं फिर सैनिटेशन जो हम की जो हम बात करते हैं उससे भी आप बच सकते हैं फिर वैक्सीनेशन कि वैक्सीनेशन समझो कि अवेलेबल है लाइक हिपेटाइटिस ए है हिपेटाइटिस बी वायरस पोलियो वायरस तो वो सभी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो जो भी वायरल इन्फेक्शन है उनकी जिसने भी वायरस की वैक्सीनेशन अवेलेबल है उससे भी आप वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं फिर कवर ए फेस यूजिंग ए मास्क अगर आप समझे कि मास्क यूज करने की हैबिट लगा देते हैं तो ऑलवेज मास्क के कारण आप जो है वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं कि जब ब्रीथिंग के थ्रू समझो कि वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो मास्क के हैबिट्स के कारण फिर यूज़ द हैंड ग्लोव इफ़ नेसेसरी कि अगर आपको कुछ ऐसे काम करने हैं तो उस वक्त समझो कि आप हैंड ग्लोव यूज़ करेंगे और हैंड ग्लोव्स अच्छे से यूज़ करने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसके कारण भी आप ऐसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं हैंड वॉश के जो मैंने अभी बात की आपको सैनिटेशन की बात की फिर अवॉइड दिस हैंड शेकिंग की पर्सनल के पर्सनल कांटेक्ट के में आने के कारण समझे कि वायरस आपके अंदर फैलता है तो हैंड शेकिंग आपको अवॉइड करना चाहिए और मेंटेन रखिए क्लीनलीनेस कि जितना आप क्लीनलीनेस मेंटेन रखेंगे इतने इस टाइप के वायरसेस से इंफेक्शन से उससे बच सकेंगे तो ये है प्रिवेंशन के बाद प्रिवेंशन के बाद आता है बात ट्रीटमेंट का कि कैसे हम ट्रीट करें इस टाइप के वायरल इंफेक्शन को तो फॉर मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट कैन ओनली हेल्प विथ सिम्टम्स ये बात अच्छे से आपको समझनी है क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए कि फॉर मोस्ट वायरल इंफेक्शन ट्रीटमेंट कैन ओनली हेल्प विथ सिम्टम्स तो यहां पे जो बात है कि सिम्टम तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की यहां पे बात है ये जो पॉइंट जो लिखा है दैट इंडिकेट्स द सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की यहां पे बात है सिम्टम बेस ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात है कि सिम्टम के बेसिस के ऊपर आप ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की कर सकते हैं वाइल यू वेट फॉर योर इम्यून सिस्टम टू फाइट ऑफ़ द वायरस कि समझो कि आपको कोई ये वायरस है ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट समझो कि आपकी जो इम्यूनिटी जो है यहाँ पे बात है सबसे पहले तो इम्यूनिटी की कि वायरस तो एक टाइप का है हमारे लिए एंटीजन एक टाइप से है एंटीजन तो जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर समझो कि किसी भी तरीके से एंटर होता है तो ये एंटीजन के सामने हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी तो ये एंटीबॉडीज की जो हमारी इम्यून सेल्स से, है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बनाते हैं तो ये एंटीबॉडीज अच्छे से ये सभी के सामने फाइट बैक करेंगे और वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल कर देगी और हमारी बॉडी को रखेगी हेल्दी तो ऐसी कंडीशन में जस्ट आप सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके जस्ट ओनली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके कि जो भी आपके सिम्टम्स डेवलप हुए हैं वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके आप जो है वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते क्योंकि वायरस को कील करने का काम करेगा आपका इम्यून सिस्टम यहां पे पॉइंट समझिए यहां पे गलती हो करते हैं स्टूडेंट कि ट्रीटमेंट में ये दो समझिए कि दो ऑप्शन है आपके पास शुरुआत में एक तो आपकी इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी क्या करेगी तो वो कील करने वाली है वायरस को ये पॉइंट अच्छे से समझिए अभी तक हमने कोई मेडिसिन जो कि एंटीवायरल मेडिसिन की मैं बात नहीं कर रहा हूं जस्ट मैं अभी तक बात कर रहा हूं सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की तो प्राइमरी समझो कि वायरल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के, के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की तो प्राइमरी के अंदर सबसे पहले एक तो आपकी इम्यूनिटी की बात है आपकी इम्यूनिटी ही ये वायरस को किल कर देगी कि आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है आपकी एंटीबॉडीज आपकी इम्यूनिटी जो है वो ही इसको किल करेगी और सामने जो सिम्टम्स है जो भी सिम्टम्स है माइनर वो सिम्टम को क्योर करने के लिए सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कि लाइक समझो कि सिम्टम कोई फीवर है तो उसके लिए आप समझो कि सिंपली पैरासिटामोल दे देते हैं पेशेंट को कॉफ एंड कोल्ड है तो उसके लिए आप पेशेंट को देते हैं कोई एंटीहिस्टेमाइन दे देते हैं कोई भी एंटीहिस्टेमाइन की जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे सिखाया है कि कॉफ एंड कोल्ड में हम कौन से मेडिकेशंस यूज करते हैं नोज़ में कौन से स्किन इन्फेक्शन समझे कि पेशेंट को हो रहा है तो स्किन पे रेसिस ना हो ऐसे कोई भी आप क्रीम दे सकते हैं कि जिससे रेसिस जो है वो उसके क्योर हो इचिंग हो रहा तो एंटी हिस्टेम से उसकी इचिंग आप कम कराए और बॉडी पेन हो रही है हेड हो रहा है तो उसके रिलेटेड मेडिसिन देकर आप उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करवाए और ये जो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट वाली जो मेडिकेशन से वो वायरस पे कोई अपना इफेक्ट दिखाती नहीं है बिकॉज उनके पास ऐसे कोई मेकेनिज्म ही नहीं है कि जो वायरस को किल्स कर सके पैरासिटामोल क्या करेगी? कि समझो कि आपको वायरल इन्फेक्शन के कारण फीवर हुआ है तो वो पैरासिटामोल फीवर को रिड्यूस करके देगी रनिनोज है स्टेफिनेस है कॉफ है कोल्ड है खांसी आ रही है रनि नोज जैसे सिम्टम्स है तो एंटी हिस्टेमाइन नजल कंजिस्टेंट वो सब आपके वो सिम्टम्स रिलीफ करवाएंगे स्किन रिलेटेड एलर्जी हो रही है रेसिस हो रहे हैं तो वो मेडिकेशंस स्किन को ठीक कर लेगी बट जो वायरस की जो बात है उसके लिए प्राइमरी तो आपकी इम्यूनिटी ही है कि वायरस के सामने आपकी इम्यूनिटी जो है वो फाइट बैक करेगी और सामने सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए हम सिम्टम बेस्ड मेडिकेशंस आपको देंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझो कि आपको लिखना है तो रिकॉर्ड बुक में जरूर से लिख लीजिए इसका स्क्रीन ले लीजिए और अब ये जो एनोटेशंस में हटा के आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाता हूँ वो समझिए नेक्स्ट पॉइंट में अब जो बात है कि एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कभी भी वायरल इंफेक्शन के अंदर इफेक्टिव साबित नहीं होते हाँ वो समझे कि कोई आपके माइनर सिम्टम्स हो वो सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं बट वायरस को किल करने की एबिलिटी एंटीबायोटिक्स के पास नहीं है बिकॉज एंटीबायोटिक ऐसे मेडिकेशन से कि जो अलग अलग बैक्टीरिया या फिर फंगाई में से हम डेवलप करते हैं और वो एंटीबायोटिक्स को हम कई बार एंटी भी कहते हैं एज वेल एज उनको एंटी फंगल कैटेगरी में भी रखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स फंगल इन्फेक्शंस एज वेल एज कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं बट जब हमें वायरस को किल करना है तो एंटीवायरल मेडिकेशन से यूज करेंगे कि जो कही जाती है एंटीवायरल ड्रग्स एंटीवायरल ड्रग्स तो ये एंटीवायरल ड्रग्स का ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर समझे कि आपकी इम्यूनिटी भी अब अच्छे से काम नहीं कर रही आपकी है आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उस वक्त एंटीवायरल मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन और तभी कि जब वो वायरस के लिए पर्टिकुलर कोई मेडिकेशन अवेलेबल है इफेक्टिव तो ही वो एंटी वायरल मेडिकेशंस वो वायरस के सामने काम करेगी वैक्सीन कैन हेल्प टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैनी वायरल डिजीज और वायरल इन्फेक्शंस इफ द वैक्सीन अवेलेबल कि जो वायरस के वैक्सीन अवेलेबल है उसका समझो कि आपको वैक्सीनेशन दिया है तो वो वायरस से आप ऑलरेडी प्रिवेंट हो जाएंगे बट उसके अलावा जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए आपको एंटीवायरल मेडिकेशंस और समझो कि किसी के लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस भी अवेलेबल नहीं है तो बात आती है इम्यूनिटी बूस्टर्स की कि इम्यूनिटी आप एनहांस करें अपनी कि जिससे आपकी इम्यूनिटी है वो वायरस के सामने फाइट बैक करेगी

कॉफ एंड कोल्ड जैसा है तो उस वक्त हम मेडिकेशन दे सकते हैं कॉफ एंड कोल्ड वगैरह की देन इफ द सिम्टम्स आर बॉडी पेन हेड एक देन वी कैन ट्रीट द पेशेंट यूजिंग द पेन रिलीवर की जो एनालिस हैं देन बेज ऑन द डायग्नोसिस ऑफ प्रॉपर एंटीवायरल मेडिसिन बेज ऑन द टाइप ऑफ वायरस और उसके बाद समझो कि जस्ट कॉन्फर्मेशन हो रहा है कि कौन से वायरस के कारण पेशेंट को ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो आगे वो प्रॉपर वायरस की जो मेडिकेशंस अवेलेबल होगी तो एंटीवायरल मेडिकेशंस हम ट्राई करेंगे शुरुआत करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन की एंटीवायरल ड्रग्स क्या है तो एंटीवायरल ड्रग्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज स्पेशली फॉर ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शंस रादर देन बैक्टीरियल वंस तो एंटीवायरल ऐसे कि सिर्फ वायरस के ही जो एनाटोमी होती है कि वायरस की एनाटोमी देखें हम तो वायरल का ये सेंटर में जीनोम होता है कि जहाँ पे उसके डीएनए आरएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं फिर उसका कैप्सिड होता है वायरल के ये टैगमेंट होते हैं उसके आसपास एनवेलॉक होता है और एनोलॉग के ऊपर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो बबल्स जैसा जो हमें दिख रहा है दैट आर द प्रोटीन कि ये वाले जो जितने भी ये सब देख रहे हैं दैट इज द एनवेल ऑफ प्रोटीन और ये एनवेल ऑफ उसके ऊपर की जो उसके प्रोटेक्शन के लिए रखा है तो मोस्ट एंटीवायरल्स आर यूज फॉर द स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन वाइल ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ वायरसेस कुछ स्पेसिफिक होती है मेडिकेशंस की जो कोई स्पेसिफिक वायरस के लिए ही यूज होती है और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो सभी टाइप के वायरस के लिए यूज होती है तो सबसे पहले समझिए एंटीवायरस एंटीवायरल ड्रग्स फर्स्ट क्लास है दैट इज एंटीहरपिस वायरस मेडिकेशंस तो एंटी हर्पिस वायरस के अंदर कौन से मेडिकेशंस पॉपुलर है तो देर आर आइडोक्सीरिडिन, रिडिन रिडिन उसके अलावा आप देखें तो साइक्लोविर करके हैं देन वाला साइक्लोविर फेम साइक्लोविरनेट ट्राइफ्लोरिडिन वालगान साइक्लोविर सीडोफोविर फॉमीविर तो यहां पे देखिए स्पेलिंग में पीछे साइक्लोविर वाले मेडिकेशन से कि जो एंटी हर्पिस वायरस कि जो हर्पिस वायरस के कारण जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रीट करने के लिए ये सब मेडिकेशंस ऐसी है कि जो एंटी हर्पिस वायरस मेडिकेशंस कही जाती है तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई फ्लोरिडिन सॉल्यूशन के समझो कि आइज रिलेटेड इन्फेक्शन होता है वायरस के कारण तो जब हर्पिस वायरस आपकी आइस को इन्फेक्ट करता है तो उस वक्त ये ऑपथाल्मिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं आप उस वक्त जो दूसरे ऑपथाल्मिक है वो इफेक्टिव नहीं रहते उस वक्त आपको ये ट्राई फ्लोरिडीन जो ड्रग है कि उसका जो एपथल्मिक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है वही भी प्रिस्क्राइब किया जाता है देन वायरोविर 500 हंड्रेड एम जी यहाँ पर हम देख रहे हैं फेम साइक्लोविर के जो टैबलेट्स है 500 हंड्रेड एम जी के असाइक्लोविर का सॉल्यूशन अवेलेबल है तो दीज आर द एंटीवायरल ड्रग्स स्पेशली फॉर एंटी हर्पिस वायरस सेकेंड देखें एंटी रेट्रो वायरस के लिए दैट इज कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स क्लास की कैडमिक मेडिकेशन कही जाती है लाइक एनआरटीआई क्लास है उनका तो उनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो जीडोवुडिन है यहाँ पे और उसका शॉर्ट फॉर्म है ए जेड टी कि AZT दैट मींस ज़िडोवुडिन रेट्रोवायरस का ब्रांड नेम है डीडानोसिन ज़ाल्स अ ज़ालसिटाबिन स्टावर्डिन लैमूविडिन एबेकाविर एंड टिनोफोविर तो ये सभी का जो क्लास है वो आप अच्छे से याद रखिए दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर एनआरटीआईज कहा जाता है आगे जो हम सा Uh, जो क्लास uh, देखेंगे वो है नॉन न्यूक्लियो साइड वो जो न्यूक्लियो साइड था उसकी जगह ये नॉन न्यूक्लियो साइड हुआ पीछे कॉमन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर तो जो एनआरटीआई था उसके जगह हो गया एनएनआरटीआई तो ये सब एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो देआर नेविरापिन है है एंड डेलाविडिन तो ने, नेवीरा का ओरल यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे इफावी के टैबलेट अलग अलग स्ट्रेंथ में होते फिफ्टी एम जी है टू हंड्रेड एम एक और जो उसका टैबलेट होती है वो सिक्स हंड्रेड एम स्ट्रेंथ में आती है प्रोटीज इनहिबिटर्स देखे तो रिटोनावीर काफी फेमस है हंड्रेड एम के टैबलेट्स रिटोवीर उसका ब्रांड नेम है नेक्विनावीर तो जितनी भी नाविर है उसके पीछे देखिए तो दे ऑल आर द प्रोटीज इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन उसी के क्लास में है एम्प्रेनाविर एन लोपी नावीर. आगे सीखे तो एंटी इंफ्लुएंजा वायरस जिसके अंदर पॉपुलर मेडिकेशन दैट इज एमांटाडिन एमांटाडिन हाइड्रोक्लोराइड्स के टैबलेट्स एज वेल एज कैप्सुल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर रिमांटाडिन है ऑसेल्टा मिविर की जिसको हम कहते हैं टैमी कि जिसको हम कहते हैं टैमी काफी फेमस है ये टैमी की जो कहा जाता है ऑसेल्टा मिविर एंड जाना मिविर तो ये मेविर एंड टाडिन एमेंटिन एमांटिन रिमांटाडिन ऑसेल्टा मिविर एंड भी ये चार मेडिकेशन याद रखनी है एंटी इंफ्लुएंजा वायरस के लिए नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स हम देखें तो रिबाविरिन, लेमिवुडिन एडेफोविर डिपीवॉक्सिल एंड इंटरफेरॉन आल्फा तो रिबाविरिन के जो कैप्सूल्स की जो 200 हंड्रेड एमजी की स्ट्रेंथ में आते हैं नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स कही जाती है उनको फिर एंटी हिपेटाइटिस वायरस की जो स्पेशली हेपेटाइटिस बी के लिए लैमीवुडिन इफेक्टिव रहता है एडेफोविर है डीपी वॉक्सिल है एंड टेनोफोविर यहाँ पे आप, आप देख सकते हैं एडेफोविर टेन एम की टैबलेट है उसके अलावा प्राइमरली फॉर हिपेटाइटिस सी देखे तो रिबाविरिन है एंड इंटरफेरॉन अल्फा तो लैमीवुडिन की जो एपीविर उसका ब्रांड नेम है जीएसके का प्रोडक्ट फिर जो इंटरफेरन जो हम अल्फा की बात करते हैं तो ये मेडिकेशंस इंटरफेरन अल्फा तो एंटी हिपेटाइटिस बी एंड सी की मेडिकेशंस है ये फिर डेक्स जो हम देखे तो एंट्री फ्यूजन इनिबिटर में इनफ्लूविरटाइड मेडिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफ्लूविरटाइड फॉर इंट्रावेनस सॉरी यूज़ सबक्यूटे नाइनटी एमजी उसकी स्ट्रेंथ है सी सी आर फाइव रिसेप्टन इनिबिटर मारावीरो माराविर के टैबलेट एक सौ पचास एमजी की स्ट्रेंथ है एंड थर्ड दैट इज इंटीग्रेस इनहिबिटर राल्टेग्राविर इंटीग्रेस इनहिबिटर राल्टेग्राविर तो ये जो है वह काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशन से टू ट्रीट एंटीवायरल मेडिकेशंस कही जाती है वायरल इन्फेक्शंस फिर जो नेको की जो हम कहते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो उसके द्वारा जो एच एड्स वगैरह के लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए जो रिकमेंडेड रेजिमेंट्स देखे कॉम्बिनेशन तो लैमीवुडिन जीडोवुडिन प्लस नेविरापिन का कॉम्बिनेशन सिपला का ये प्रोडक्ट देख सकते हैं डीओवीर लेमिवुडिन नेविरापिन के टैबलेट से एस पर आईपी, उसके अलावा सेकंड हम देखें कि अल्टरनेटिव फिर स्टावोडिन है इफाविरेंस लेमोविडिन के साथ स्टावोडिन और तीसरा कॉम्बिनेशन नेविरापिन है तो इस तरह से लेमिवुडिन एंड जीडोविडिन के टैबलेट्स इफाविरेंस के टैबलेट तो इस तरह से कीट आती है पूरी कि जो नेको द्वारा रिकमेंडेड प्रॉपर मल्टी ड्रग रेजिवेंस जो हम कहते हैं उसके अलावा दूसरी ऑप्शंस देखें तो लैमिविन टेनोफोविर नेविरापिन लेमोविडिन टेनोफोविर इफाविरेन्स तो ये सब कॉम्बिनेशंस भी नेको की जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस जो हम कहते हैं उसके द्वारा रिकमेंडेड मेडिकेशन है तो ये है एंटीवायरल वायरल मेडिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन तो ये सब मेडिकेशन आपको अच्छे से याद रखनी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड अटेंड दिस लेक्चर जरूर उससे लाइक करिए कॉमेंट करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप सब्सक्राइब करिए चैनल एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज Study material in PDF printed test series video lecture on F. Pharma rock. So, good luck and all the best.